नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेरेस गार्डनिंग विद हरीश में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी इसी तरीके की वीडियो जब आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हमने ये सारे पौधे ग्रो करे हैं, किन की सीडलिंग करी है और किन को हमने कैसे लगाया हुआ है, सब आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये जो आप इसमें देख रहे हैं ये वाइट मूली है, जो लंबी वाली मूली होती है वो वाली मूली है। ये सीडलिंग हमने खुद घर पर करी हुई है, इसकी अपडेट हमने पहले देखी हुई कई वीडियो में। अब देखो ये बड़ी हो चुकी है, अब धीरे धीरे इसको ग्रोथ होने लग गई है। अब देख सकते हैं बहुत अच्छी ग्रोथ है इसमें। इसमें जितने में सीड्स लगाए थे उसमें से आधे से ऊपर जर्मिनेट हुए और आधे कुछ ख़राब हो चुके हैं, तो साइडों में तो ख़राब हो चुके हैं, बाकी बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है। ये हमने घर पर ही सीडलिंग करी हुई थी, अभी भी इसमें कुछ बीजें भी उग रहे हैं नीचे। कुछ दिनों में इसके पत्ते हार्वेस्ट करने को हमें मिल जाएंगे और उसके बाद वह मूली हमें हार्वेस्ट करने को मिलेगी। आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। और इसमें हम दूसरे उसमें चलते हैं, उसमें हमने रेड रेडिश लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं ये रेड रेडिश है जो गोल वाली होती है, गोल मूली। आप इसको देखेंगे नीचे से बिल्कुल ये लाल हो गई है, बिल्कुल बिल्कुल लाल मूली होती है, गोल वाली होती है, बहुत अच्छी होती है मीठी खाने में। इसमें भी बहुत सीडिंग करी थी हमने, सीडिंग जो कुछ ख़राब हो चुकी है, साइडों में जर्मिनेट नहीं हो पाए, इसमें फिर भी जितने भी हुए हैं वो अच्छी ग्रोथ थी इनकी। कुछ दिन में इसके पत्ते भी हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगे हमें, और साथ में इसमें भी लगे हुए थे, इसमें तो करीबन कुछ ही जर्मिनेट हुए, कुछ ख़राब हो चुके हैं, हो सकता है फिर जर्मिनेट हो जाए नीचे से। और साथ में इधर आप देखेंगे इसमें हमने लाल चौलाई लगाई हुई थी, तो लाल चौलाई का अच्छा रिजल्ट है तो हमें नहीं मिल पाया। और ये आप देख सकते हैं कुछ ही जर्मिनेट हुए हैं, कुछ हो रहे हैं अभी। और ये देखें ये लाल चौलाई जो होती है ये वाला है, और ये आप देख रहे हैं सामने बैगन, बैगन का पौधा जो एक साल भर से ऊपर के हैं, इसकी हमने प्रूनिंग करी थी, तो उसके बाद प्रूनिंग करने के बाद इसके अभी साइड से जो ब्रांच अभी निकला है बहुत अच्छी ब्रांच निकलाई है, फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुके हैं। नीचे नीचे के फ्लावर मैंने सारे इसके तोड़ दिए थे और नीचे नीचे के सारे पत्ते तोड़ दिए थे ताकि ये इसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। दोस्तों ये जितने भी हमने बैगन के पौधे लगाए हुए हमने घर पर इसकी सीडलिंग करी हुई, सीडलिंग करके हमने फिर इनसे एक बार हार्वेस्टिंग, मतलब तो कई बार हार्वेस्टिंग एक साल तक हमने करी है, उसके बाद हमने इसकी प्रूनिंग कर दी। अब सर्दियों में फिर से ग्रोथ इसकी होगी, इतने बड़े हो गए हैं, कुछ दिनों में इस पर बैगन आपको हमें मिलने चालू हो जाएंगे, उसकी भी हम आपको अपडेट देंगे। तो आप भी इसी तरह अपने घर पर, अपने छत पर, अपने बालकोनी में, कहीं पर भी जहाँ पर आपको जगह आपको मिले, कुछ ही पौधे आप लगा सकते हैं और ऑर्गेनिक चीज़ों का स्वाद ले सकते हैं। और घर पर जो लगाएंगे उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक ही चीज़, पेस्टिसाइड का यूज़ कम होता है और ज़्यादातर ऑर्गेनिक खाद, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड ही यूज़ करके अब अच्छी एक न्यूट्रिशन युक्त तो जो है पौष्टिक चीज़ें अपने घर पर उगा सकते हैं, और केमिकल भरे जो पेस्टिसाइड से जो हम खा रहे हैं मार्केट से जो लेके साग सब्जियों, उसमें ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, ऑर्गेनिक चीज़ का स्वाद भी कुछ अलग सा ही होता है, अच्छा स्वाद होता है। और सबसे अच्छी बात है कि वह पौष्टिक चीज़, पौष्टिक बहुत अच्छे होता है, उसमें आपको केमिकल की बिल्कुल भी मात्रा नहीं मिलेगी। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं, और दूसरे बैगन के पौधे भी दिखाएं, सबकी ग्रोथ अच्छी हो चुकी है, अच्छी देखने लायक हो चुकी है, सबकी सीडलिंग मैंने अपने घर पर करी हुई है। सीडलिंग करके और एक साल तक हमने इस पर बैगन बहुत सारे लिए, अब उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं, पिछले सारे वीडियो में लगे हुए हैं, सब पर फ्लावरिंग चालू है। नीचे नीचे के जो फ्लावर आ रहे थे सब मैंने तोड़ दिए थे,
ताकि मुझे इसकी ग्रोथ अच्छी हो, इसलिए मैंने सारे नीचे के जो फूल थे वो तोड़ दिए थे। अभी एक फूल गलती से टूट गया हमसे, जिस पर कि बैगन लगा हुआ था, तो अगर हम इसको छोड़ देते तो इसमें बैगन लग जाता बाद में। गलती से ये टूट गया, हमने सोचा था नीचे है तो पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, तो नीचे वाला यहाँ पर नीचे था तो हमने तोड़ दिया। अगर हम छोड़ देते इसमें बैगन यहीं से स्टार्ट हो जाता लगना। कोई नहीं, अगर टूट गया कोई बात नहीं, और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी और बढ़ेगा ऊपर को जितनी ब्रांच इसकी जाएंगी उतने अच्छे हमें इस पर फ्लावरिंग मिलेगी, फ्रूट्स मिलेंगे। और साथ में हमने पालक लगी हुई है जिसकी हार्वेस्टिंग हमने कई बार कर चुके हैं, अब फिर से एक ग्रोथ करना चालू कर दिया कि देख सकते हैं कितना हरा हरा हो चुका है। फिर से इसके पत्ते, 3 दिन हुए हैं हम इसको हार्वेस्ट करे हुए, फिर से इसके पत्ते फिर खिल आए हैं। और साथ में ये लगाया पुदीना। पुदीना तो सभी जानते हैं कितना इतना स्वादिष्ट होता है, इसकी खुशबू बहुत मस्त है। खुशबू तो अब यहाँ पर सूंघ नहीं सकते, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कितना अच्छा ये ग्रोथ कर रहा है। साथ में ये काली सरसों जो चौड़े पत्ते वाली होती है, इसको भी हम साग इसका कई बार बना चुके हैं, हार्वेस्ट कर चुके हैं। और ले चलते हैं आपको दूसरे पौधे पे। आप ये देख सकते हैं इसकी हमने सीडलिंग करी है, टमाटर के पौधे हैं ये। मैंने टमाटर काट के उसके सीड्स निकाल के इसमें लगा दिए थे, तो ये अभी अच्छी ग्रोथ इसकी हो चुकी है, कुछ ही दिनों में ये बड़े हो जाएंगे, अच्छी ग्रोथ करने लग गए। फिर हम इसको जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो हम इसको फिर अलग अलग पॉट में, अलग अलग लोग ग्रो बैग में या गमले में हम इसको शिफ्ट करेंगे, तो वो भी आपको दिखाएंगे। आप भी इस तरह से टमाटर के सीड्स अपने घर पर ग्रो कर सकते हैं। जो अच्छा टमाटर हो, बड़ा टमाटर हो, उसके बीज निकाल के आप किसी भी पॉटिंग मिक्स करके, मतलब भुरभुरी मिट्टी बना के उसमें आप सीड्स डाल सकते हैं। ज़्यादा टाइट मिट्टी ना हो ताकि सीड्स जल्दी से ग्रो हो जाएँ, उसमें ज़्यादा टाइट मिट्टी में ग्रो ये नहीं हो पाते, अंदर अंदर गल जाते हैं बीज। इसलिए मिट्टी जब भी ग्रो करें टमाटर के पौधे को तो हल्की सी भुरभुरी मिट्टी बनाएं, इसमें हल्का सा न्यूट्रिशन डालें, ज़्यादा नहीं। बस इतने बड़े पौधे जब हो जाते तो इसमें हम हल्का सा फिर न्यूट्रिशन इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि गोबर की जो खाद होती है उसको पानी में घोल के उसको लिक्विड बना के उसको इसमें डाल सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में नहीं देना, नहीं तो ये गल भी सकते हैं। तो 1 ml करीबन या 2 ml, 3 ml के 5 ml भी आप डाल सकते हैं, अगर वो 1 लीटर पानी हो या 1/2 लीटर पानी हो उसमें घोल के फिर इसमें दें। अगर ज़्यादा मात्रा में दे दोगे तो ये गल जाएंगे जड़ से। तो इस तरह से आपको सीडलिंग टमाटर की करनी चाहिए। मिर्ची के हमारे जो पहले कई बार दिखा रखा है, इसके सारी मिर्ची हमने तोड़ दी। मिर्ची तोड़ने से एक फ़ायदा हुआ कि इसकी फ्लावरिंग, सब पर फ्लावरिंग चालू हो गई है, क्योंकि इसको जो ग्रोथ रुक गई थी वो ग्रोथ दोबारा से चालू हो गई और फूल में कन्वर्ट होने लग गए फटाफट। इसमें से देख सकते हैं आप फूल भी लगे। अब ये मिर्ची जो भी नई मिर्ची बनी है, इसे पूरा देखो इसमें कितना बड़ा ब्रांच इसमें लगा हुआ है, देख सकते हैं पूरे गुच्छे में मिर्ची मिर्ची है। ये सब नई मिर्ची लगी है, इसमें फूल देखो अभी लगे हुए हैं, अभी झड़े भी नहीं, पूरा गुच्छा बन चुका है। यहाँ पे पुराना पौधा है, 1 साल का हो गया अभी। अब इसमें हर जगह पे गुच्छे पे फूल आने लगे, फूल पे ही ज़्यादातर फूल जैसे फल में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इस तरह से छोटी छोटी मिर्चियाँ बनने लग गई हैं। तो पुराना पौधा समझ के उसको फेंकना, प्रूनिंग करके दोबारा से उसको न्यूट्रिशन वगैरह दे दें, खाद वगैरह दे दें, दोबारा से फ्लावरिंग इसमें चालू हो जाती है। तो दोबारा से इसमें मिर्ची मिलना हमें चालू हो गया। तो हमने पुरानी जितनी मिर्ची थी सब तोड़ दी, लाल मिर्ची भी थी, हरी मिर्ची भी थी, सारी मिर्ची तोड़ने के बाद इसमें जल्दी से इसमें जल्दी फ्लावर जो है फल में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि जो पहले वो मिर्ची लगी थी तो ज़्यादा खाद वो ले रहे थे, अब न्यूट्रिशन सीधे इन फ्रूट फूलों को मिल रहा है और फूल सीधे फल में कन्वर्ट हो रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी, ज़्यादातर जगह पर हो चुका है। कि मैं इसको प्रूनिंग करने वाला था लेकिन अब प्रूनिंग मैंने इसको रोक दी,
जब इसमें फ्रूटिंग आना फ्लावरिंग बंद हो जाएगा फिर इससे हम इसको बाद में फिर प्रूनिंग कर देंगे, हार्ड प्रूनिंग करेंगे। चलते हैं अगले पौधे पे। इधर से आप देख सकते हैं इसमें से साग लगा हुआ था और साथ में इसमें बैंगन के पौधे तो पहले से थे ही थे, हमने इसमें साथ में साग लगा दिया था, सरसों के साग। हमने कल 2-3 दिन पहले इसको हार्वेस्टिंग कर दी, 3 दिन पहले साग का तो हार्वेस्टिंग हो चुका है, लेकिन अब एक बैंगन के पौधे आप देख सकते हैं हम नीचे नीचे इसके भी सारे हमने पत्ते तोड़ दिए और अच्छे खासे इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। पुराने पत्तों को मैं ऐसे तोड़ के जाता हूँ और किसी किसी में लीव माइनर की शिकायत भी हो रही है, उन पत्तों को हम पहले तोड़ते जाएंगे तो और पत्तों में लीव माइनर ना आए। इनमें लीव माइनर की भी शिकायत नहीं है, उस पत्तों में थी वो मैंने पहले तोड़ चुका हूँ उनको। बाकी इस पौधे को देखते हैं, इसमें मिट्टी कम होने के कारण इसकी ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं हो पा रही है, क्योंकि इसका पॉट भी छोटा है और इसलिए इसका ग्रोथ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इसका जो है इसकी मिट्टी मैंने पूरी निकाल दी थी, ऊपर ऊपर की मिट्टी ऊपर तो भर गया था, इसे फिल फिल करके इसमें फर्टिलाइजर भी दिया हमने खाद तो ऊपर तक आ चुका था, तो मैंने इसका पूरी मिट्टी नीचे तक निकाली, कम से कम आधी मिट्टी मैंने इसकी निकाल दी, तो इसकी जड़ भी हमने दिखने लग गई। मिट्टी टाइट थी तो मिट्टी में हमने फिर बाहर निकाल के उसमें फिर न्यूट्रिशन डाल के इसमें मिट्टी दोबारा से फिल कर रखी है, तो फिल करने के बाद इसमें थोड़ा सी ये तो थोड़ा बहुत तब भी उतना स्ट्रेस में नहीं रहा। और इसी के साथ मैंने दूसरा भी करा था जो ये है, इसकी भी मिट्टी मैंने बाहर निकाली, मिट्टी बाहर निकाली तो जैसी मिट्टी इसकी भी निकाली इसकी भी निकाली, आधी मिट्टी निकाल के इसकी जड़ भी ऊपर, हो सकता है जड़ कुछ डैमेज हुई हो उस टाइम में, तो इसकी जो है ये पौधा स्ट्रेस में चला गया, तो इसके जो मुरझा सा गया ये पौधा, तो इसकी जड़ मैंने पूरा नीचे था, इसकी मिट्टी टाइट जो थी वो ढीली करी, ढीली करके उसमें न्यूट्रिशन मतलब खाद डाला दोबारा से खाद डाल के इसमें दोबारा से मैंने मिट्टी फिल कर दी, तो ऊपर से हल्का खाली भी छोड़ो कि उसमें पानी डाला तो पानी रुके थोड़ा देर और अंदर पानी जाए, पानी से मिट्टी बाहर ना बहे, वैसे इसमें मैंने इसका रखा है। और इस तरह से करने से जल्दी पौधा जो है उसकी जड़ें दोबारा से ग्रोथ हो जाती हैं, ये भी ग्रोथ कर लेगा, लेकिन मैं इसको धूप में भी नहीं रखूँगा, इसको साए में रखूँगा, तो दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर रखा है अभी। और इसके आगे चलते हैं, हम आप दिखाते हैं करेले पे। इसकी करेले की जो है नीचे से ब्रांच नई ब्रांच निकल आई है, जो कि पुराना पौधा है इसको भी 6-7 महीने से ऊपर हो गए, नई ब्रांच निकल आई है, तो देख सकते हैं ये ब्रांच बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है, ये देखिए बहुत अच्छा ग्रोथ है। और दूसरा अभी ये भी इधर से देख रहे हैं आप, ये भी नई ब्रांच आई है जड़ से, इसका जो पहले वाला ब्रांच था मैंने उसको काट के इसकी जड़ से ही जो है इधर से आप दिखाओ यहाँ से गया हुआ था, इसकी पहले वाली जो बेल थी यहाँ से गई हुई थी, साइड से ब्रांच निकली तो साइड से ये बड़ी बड़ी, अब ये इतना बड़ा हो चुका है जो नई ब्रांच निकली है, अच्छी ग्रोथ जा रही है इसकी, आगे जाके ये हमें फ्रूट्स बहुत जल्दी देगा, फलों अच्छी जल्दी देने लग जाएगा, वो अच्छी ग्रोथ जा रही है। और ऊपर देख सकते हैं ये पहले वाला जो है वो अभी हैं, इसमें फ्रूट लगे हुए हैं अभी, आप देख सकते हैं ये करेला लगा हुआ, और साथ में इधर भी कहीं है एक, इधर है एक, इतना बड़ा है ऐसे ही, साथ में उधर भी लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं इतना बड़ा है, साथ में इधर है और आगे भी लग रहे हैं, आगे बेल जा रही है, साइड में इधर काफ़ी हैं जो बीच में छुपे हुए, इससे हमें मिल ही रहे हैं करेले अभी है, तो ज़्यादा तो नहीं मगर जो भी है मिल ही रहा है सब। बाद में इसको मैं पूरा कट कर दूंगा, नीचे से नई ग्रोथ जो आ रही है उस ग्रोथ को हम चालू रखेंगे। और साथ में ये देखें आप मेहंदी का पौधा है, ये सब मेहंदी का है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी, और इसको तो बड़े पॉट में बाद में लगाऊंगा। साथ में ये भी आप देख, ये भी बैंगन का पौधा है, आप देख सकते हैं इसमें फ्लावरिंग चालू है, कितना अच्छा फ्लावर इसका खिला हुआ है, और शायद इस पर यहीं से बैंगन आना चालू हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी ग्रोथ अच्छी हुई तो यहाँ से प्रोटीन लेना हम चालू कर देंगे। साथ में साग लगी हुई है, सरसों, और इधर आप देखेंगे तो आपको पालक नज़र आएगी, जो इसकी हार्वेस्टिंग हमने कुछ दिन कर
दो तीन दिन पहले करी हुई है, दोबारा से ही फिर ग्रोथ इसकी स्टार्ट होगी, दोबारा से मिलना चालू हो जाएगा। इधर काली मिर्च भी है, बाकी इधर भी जो बैगन का है इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो गई है, फ्लावरिंग इसमें भी चालू है, नई नई ब्रांच इसमें आने लग गए, कलियाँ बनने लग गई, अच्छे अच्छे पत्ते इसकी ग्रोथ में शाइनिंग कर रहे हैं। और नीचे के पत्ते मैं ज़्यादातर तोड़ते हुए जाता हूँ ताकि ऊपर को ग्रोथ अच्छी हो। किसी ने छेद भी कर रखा है कि उन्होंने, तो यही है आगे को, यही अपडेट आपको देनी थी। बाकी कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और इसी तरह अपना सपोर्ट हमें देते रहना। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं, अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारी इसी तरह की वीडियो आप देख सकें, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।